प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हमारे बीच में हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर विराम वासने। मैं इनका थोड़ा सा परिचय दे दूं कि कुछ डॉक्टर जो होते हैं जो मनुष्य का इलाज करते हैं, पर इन्हों की जो रुचि थी शुरू से वह पशुओं के प्रति लगाव, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति सेवा भाव था। तो इन्होंने अपना जो क्षेत्र चुना मेडिकल का, वह पशु के लिए चुना और वेटरनरी में इन्होंने डिग्री लेते हुए यहाँ पर यानी कि अलीगढ़ में पशुओं की जो शल्य चिकित्सा है वह शुरू की। तो आपका स्वागत है प्रभात खबर में। धन्यवाद। तो विराम जी, जैसे कि हमारे अलीगढ़ में पिछले 2 साल से जो टीकाकरण था पशुओं का कोरोना के कारण से, वो नहीं हो पाया जी। और जब टीकाकरण नहीं हुआ तो पशुओं में जैसा कि नॉर्मली सुनने में 2 बीमारियां आती हैं, खुरपका और मुंहपका जी, उसको लेकर के बड़े पशुपालक चिंतित रहते हैं। तो पहले वैसे तो नॉर्मली रूप में सब जानते ही हैं कि खुरपका मुंहपका बीमारी होती क्या है, फिर भी हम दर्शकों के लिए यह आपसे जानना चाहेंगे कि खुरपका और मुंहपका क्या बीमारी होती है पशुओं में। देखिए सभी को, पहले तो आपके दर्शकों को, सबको मेरी तरफ से नमस्कार जी। बाकी जो आपने ये समस्या के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, ये एक गाय भैंसों में, बकरी में और भेड़ में, ये सब इन वाले पशुओं में ज़्यादातर फैलती है और ये बड़ी खतरनाक टाइप की बीमारी है। ये एक तरह से वायरल इन्फेक्शन होता है जी। तो इनमें शुरुआत में जो लक्षण जो पशुओं में देखने को मिलते हैं, वो मुँह के अंदर छाले पड़ना, पैरों में, खुरों के बीच में छाले पड़ना, वो छाले फूट जाते हैं, फिर वहाँ पर पकाव बन जाता है जिससे पशु को चलने में काफ़ी परेशानी होती है। जी जी इस वाली समस्या में पशु को बुखार भी रहता है जिससे वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं जी जी और पशु डे बाई डे करके अपना वजन छोड़ता चलता है और वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जी 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 तो जैसे खुरपका, तो खुरपका का मतलब जो खुर होते हैं उसके नाखून होते हैं शायद, उससे मतलब है। जी, खुरपका का मतलब ये है कि जब पशु के खुरों के बीच में जो छाले बन जाते हैं और छाले बन के जब फूट जाता है तो वो पकाव आ जाता है उसमें। पकाव आ जाता है तो जी, इसलिए उसको खुरपका कहते हैं, खुरपका बोलते हैं। और मुंह पका है जो मुंह में। मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं, पशु अच्छा। खाना नहीं खा पाता, मुंह से लार टपकती है, तो मुंह में और खुर में इनमें जख्म बन जाते हैं जिसे उस बीमारी को खुरपका और मुंह पका बोला जाता है और ये एक वायरल डिसीज है। इन्फेक्शन। अच्छा, जैसा कि अभी टीकाकरण नहीं हो रहा है और अभी सरकारी अगर देखें डाटा तो उसमें अभी टीकाकरण के लिए टीके है ही नहीं है इस समय, तो जो जिनको पशुओं को ये खुरपका मुंहपका की बीमारी हो चुकी है जी, तो वो क्या करें? देखिए वैसे तो सरकारी विभाग से ही टीकाकरण हर 6 महीने पर होता है, लेकिन किसी कारणवश इस 2 साल से नहीं हो पा रहा है। जी। हो सकता है कोरोना की वजह से कुछ समय लेट हो गया है। अगर किसी पशु मालिक या पशु भाइयों को, किसी का पशु अगर इस बीमारी में आ गया है तो सबसे पहले तो उन्हें ये करना चाहिए, उस पशुओं को और दूसरे पशु से बिल्कुल अलग कर दें। अच्छा, अलग रखें, बिल्कुल अलग कर दें, आइसोलेशन की तरह। आइसोलेशन में उसका खाना, इवन उसकी जो पिलाने का जो बर्तन वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं उसे भी ही बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और उस पशु को खाना देने के बाद पशु मालिक को बिल्कुल अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह धो के, सैनिटाइजर यूज़ करके जब भी दूसरे पशु पर जाए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी फैलती है जैसे आदमी में कोरोना फैलता है। अच्छा, वायरल। जी, वायरल। जी तो उसको अलग रखें, जी एक तो ये है, जी। और क्या? और इसके हमें प्रिवेंशन हमें ये रखना है कि अगर इस तरह बीमारी मान लीजिए अगर हो भी गई है तो अब उसे किस तरह से आपको उसे आगे देखना है। तो सबसे पहले ये है कि पशु को तो जैसे मैं अलग रखना मैंने बता ही दिया है, जी। बाकी 1% का लाल पोटाश बोला जाता है गाँव में, लाल पोटास। लाल पोटाश 1% उसका सॉल्यूशन बना के उसके घाव पे लगा सकते हैं और मुंह पे भी लगा सकते हैं उसको। दूसरा फिटकरी आती है, फिटकरी गांव में नॉर्मली मिल जाती है, उस फिटकरी को पीस कर उसका पानी में घोल कर उसे जख्मों पे लगाएं ताकि वो अच्छा। जख्म से जो खून रिस रहा है या फिर जो उसका पकाव जो हो रहा है उसमें धीरे धीरे करके उसे आराम मिल जाता है। बाकी बचाव के लिए देखिए ऐसा है, यही जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यही सब चीज़ कॉमन है, मेडिसिन इसकी कोई आती नहीं है, बस टीकाकरण ही एक इलाज होता है जो कि अभी हो नहीं पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आगे भविष्य में ये सरकार द्वारा ये जल्दी से जल्द स्टेप लिया जाएगा और सभी तक ये
सुविधा पहुंचनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि किसी के पास पशु हैं और वो ऐसे क्या प्रिकॉशन ले कि ये खुरपका और मुंहपका हो ही ना, या साफ सफाई या किस तरीके से मतलब पशुओं को रखे जो जिसके संभावना कम हो जाए खुरपका मुंहपका होने की। देखिए, होने की तो संभावना मैंने आपको बताई दी है। वैसे तो इसका प्रिकॉशन तो सबसे पहले यही है कि टीकाकरण, हाँ, अगर नहीं अगर टीकाकरण जैसे नहीं हो पा रहा नहीं है तो। होता तो, अगर ये बीमारी अगर होती है तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि पशुओं को बिल्कुल अलग कर देना, खान पान अलग कर देना, यही ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप रोक सकते हैं एज इट इज़। इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं है कि एक बार हो गया तो फिर आप उसे करें, बस आपको प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। और पशुओं से अलग करना, खाना पीना अलग करना, उसका दवाई जो कर रहे हैं वो अलग करें, खिलाएं पिलाएं अलग, बच्चों को, छोटे बच्चों को उनके अलग रखें, अच्छा, बस यही सब चीज़ है। इससे करके आप अपने दूसरे पशुओं में फैलने से बचा सकते हैं। जैसे खुरपका और मुंहपका हो जाता है तो उसमें जो लक्षण के हिसाब से उसको इलाज देना पड़ता होगा, अगर टीकाकरण नहीं है जब तक तो, जैसे हाँ, कि मतलब मतलब देखिए, परेशानी हो रही हो। बिल्कुल सिम्टोमेटिक ही देना पड़ता है। जी अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर जहाँ पर जख्म है वहाँ पर फिट करी, या फिर आप 1% जो पोटास जो बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट वाला, उसका सॉल्यूशन से आप उसे लगाएं रोजाना, दिन में 2 बार। जी बाकी ये है कि बुखार रहता ही है इसमें, तो अपने पशु चिकित्सक अधिकारी या आपके नज़दीक में जो भी कोई पशु चिकित्सक हो उसे पूछ के जितनी खुराक उसकी बननी है उसे सुबह शाम उसकी दें, ताकि वो बुखार ना रहेगा तो वो धीरे धीरे करके अपना समय के साथ साथ वो सही होने की संभावना रहती है। अच्छा, ये जैसा कि आपने बताया ये इन्फेक्शन की तरह होता है, वायरल की तरह होता है, तो क्या इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि उतने समय तक ये रहेगा, जैसे देखिए, 5 दिन 7 दिन? हाँ, ये बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई भी 7 से 10 दिन से पहले सही नहीं होता है। तो अच्छा, आप किसी में 7 से 10 दिन, किसी 10 से 15 दिन तक भी हो जाता है, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसी बीच में आप मतलब इसको जो कर सकते हैं और बचाव रखते हुए अगर आप चलेंगे तो पशु रिकवरी की तरफ आ जाता है। खुरपका और मुंहपका के लिए जैसे सरकार की तरफ से ही टीकाकरण होता है, कोई इसका प्राइवेट जगह पर वैक्सीन या टीके नहीं होते? देखिए, ऐसा है क्योंकि ये काफ़ी लार्ज एरिया में एक साथ फैलता है, तो हर पशु भाई के लायक वो भी नहीं होता कि हर कोई से वैक्सीन को वो कर ले, तो सरकारी की तरफ से योजनाएं चलती हैं, हर 6-6 महीने बाद लगता है। बाकी प्राइवेट में भी वैक्सीन्स आती हैं, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से कॉस्टली पड़ती हैं, अच्छा, ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। कॉस्टली पड़ती हैं पशु मालिक के हिसाब से, तो भाई कॉस्टली है ही, लेकिन प्राइवेट में भी इसे अवेलेबल होती हैं, किसी किसी कंपनी की आती हैं जो वैक्सीन्स बनाती हैं। अच्छा, तो दर्शकों आपने देखा कि जिस तरीके से कहते हैं कि चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, तो उसको कोई भी दवा या इलाज आप बिना जो उसका चिकित्सक है, जो उसका स्पेशलिस्ट है, जैसे पशुओं की बात करें तो पशु चिकित्सक के बिना, जो संपर्क के और जानकारी के, उनकी सलाह के बिना हमें पशुओं पर भी वो प्रैक्टिकल करके नहीं देखने चाहिए, क्योंकि कई बार उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो अगर आपके पशुओं को वैसे बचा के रखें इस बीमारी से, अगर हो जाती है तो पशु चिकित्सकों से संपर्क करें, चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनके जो सलाह मशवरे से उसका ट्रीटमेंट करें। वैसे तो इंतज़ार करते हैं कि जल्दी ही अलीगढ़ में टीका उपलब्ध होगा खुरपका और मुंहपका का, क्योंकि 2 साल से नहीं आया है और इस समय विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है कि वह टीका जल्द से जल्द आए और जो पशुपालक हैं उनकी जो चिंता की लकीर है खुरपका और मुंहपका को देखते हुए वह खत्म हो। तो धन्यवाद आपका विराम जी। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन सर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।